हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने ये समझ लिया था श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे तरंग फलन साई, हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, आयाम को प्रदर्शित करता है, और इसी के मान को रखने पर हमें करेस्पॉन्डिंग एनर्जी का मान मिलता है। हमने ये समझा था कि साई के बहुत सारे मान हैं, बहुत सारे मान उनमें से जो है वो तार्किक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं वो उनकी संख्या कम हो जाएगी, इसलिए साई की जगह पर हम लोग साई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। वैसे भी इंटेंसिटी जो है, अगर हमें तीव्रता को प्रदर्शित करना है तो तीव्रता मापने का जो फॉर्मूला है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, उसके अनुसार साई की जगह पर साई स्क्वायर का प्रयोग ज्यादा उचित है और इसीलिए साई स्क्वायर का ही प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता, हमने आपको ये समझाया था, मैंने बताया था कि साई स्क्वायर जो है वो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर के उन त्रिविम क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, और इन त्रिविम क्षेत्रों को जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल या कक्षक। एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण विपरीत होते हैं, स्पिन अपोजिट होते हैं। ए दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आपको कभी नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मिलेंगे। तो और दोनों एक एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। तो ये बातें हमने समझी थी और हमने आपको ये स्पष्ट किया था कि किसी कोश में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n स्क्वायर के हिसाब से होती है। लेकिन अब हमें पता है कि कोश उपकोशों से बना है, उपकोश ऑर्बिटलों से बना है, एक्चुअल में परमाणु के अंदर यही ऑर्बिटल ही है, न तो कोश है न तो उपकोश। जब ये परमाणु ऑर्बिटल मिलते हैं तो उपकोश बनाते हैं और उपकोश मिलते हैं तो कोश बनाते हैं। तो अब इस चीज को समझने के लिए कि देखिए, अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल में केवल एक ही उपकोश होता है, एस उपकोश, है ना। ऐसे ही देखिए पहला कोश, तो पहले कोश में केवल एक उपकोश और उस पहले उपकोश यानी एस उपकोश में केवल एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आप भर पाएंगे, दो, 2n स्क्वायर के हिसाब से दो ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। दूसरे कोश में यानी दो उपकोश 2s और 2p, 2s में एक ऑर्बिटल मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और 2p उपकोश में, p उपकोश में मैंने बताया था तीन ऑर्बिटल होते हैं मतलब छह इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, तो इस कोश में टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे कोश में तीन उपकोश s, p और d, s में एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, p में तीन ऑर्बिटल छह इलेक्ट्रॉन और d में पांच ऑर्बिटल तो दस इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन इस कोश में भर सकते हैं जो 2n स्क्वायर के हिसाब से भी सही है। चौथे कोश में चार उपकोश s, p, d और f, s उपकोश में एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, p उपकोश में तीन ऑर्बिटल छह इलेक्ट्रॉन, d उपकोश में पांच ऑर्बिटल दस इलेक्ट्रॉन और f उपकोश में सात ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14, 10, 24, 24, 6, 30 और 2, 32, 32 इलेक्ट्रॉन जो कि 2n स्क्वायर के हिसाब से भी सही है। और एक चीज और समझने वाली बात है यहां पर कि किसी भी कोश में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, किसी कोश में ऑर्बिटलों की संख्या, तो देखें ये होता है n स्क्वायर। जैसे देखें k कोश में n का मान एक है तो ऑर्बिटलों की संख्या एक का स्क्वायर मतलब एक, l कोश में n का मान दो है यानी कि दो का स्क्वायर मतलब चार ऑर्बिटल। देखिए
एक ऑर्बिटल एस का और तीन ऑर्बिटल पी के, तीन और एक चार ऑर्बिटल। एम कोश में एन का मान तीन है तो इसमें तीन का स्क्वायर होगा, नौ ऑर्बिटल होंगे। देखिए गिन लीजिए, एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन, तीन और एक चार, और डी में पांच ऑर्बिटल, पांच चार नौ। और एन कोश में एन का मान चार होता है तो यहां पे चार का स्क्वायर हो जाएगा, सोलह ऑर्बिटल होंगे। आप गिन सकते हैं, एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल, तीन और एक चार, चार इसमें पांच ऑर्बिटल, चार पांच नौ, और नौ और एफ में सात ऑर्बिटल, नौ सात सोलह, तो सोलह ऑर्बिटल। तो ये कुल ऑर्बिटलों की संख्या है किसी कोश में, है ना। और किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और हम अगले टॉपिक में पहुंचते हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर्स, जैसे आपको मैं समझाऊं कि अगर किसी पूरी दुनिया में किसी पर्टिकुलर आदमी को ढूंढना है, कि किसी व्यक्ति को ढूंढना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति किस देश में रहता है, देश के किस राज्य में रहता है, राज्य के किस शहर में रहता है या गांव में रहता है, और फिर अंतिम में उसका घर का एड्रेस क्या है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मतलब चार चीजों की जरूरत है, देश का नाम, प्रदेश का नाम, शहर या गांव का नाम, और उसका होम एड्रेस। अगर होम एड्रेस मिल जाएगा तो वो उस आदमी के घर आप पहुंच जाएंगे और उसको आप ढूंढ लेंगे। तो इन चार चीजों के बिना किसी व्यक्ति को ढूंढना असंभव है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन किस कोश से संबंधित है, उस कोश में गए तो उस कोश में कई उपकोश हैं, किस उपकोश से संबंधित है, फिर उपकोश में गए तो वहां पे ऑर्बिटल्स हैं, किस ऑर्बिटल में है, है ना। जैसे आपको मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है ना, और एफ ऑर्बिटल में वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो आप पहले उसके कोश का पता करेंगे, है ना, कोश का पता करेंगे, कोश के बाद उसका उपकोश पता करेंगे कि वो एफ उपकोश में है, एफ उपकोश के फिर किस ऑर्बिटल में है ये पता करेंगे, उस ऑर्बिटल में पहुंचेंगे तो आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो हमें लास्ट में पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। तो पहले क्या पता होना चाहिए, पहले कोश, पहले आपको पता होना चाहिए कोश, कोश में पहुंचे तो उपकोश, उपकोश में पहुंचे तो ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में पहुंचे तो चक्रण। इन चार चीजों का स्टेप टू स्टेप पता होना चाहिए। तो इन चार चीजों को बताने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। मतलब वह संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु में स्थिति, मतलब उसके कोश, उसके उपकोश, उसके ऑर्बिटल और उसका चक्रण, के बारे में सूचना देता है, उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं, ये क्वांटम संख्याएं हैं। तो क्वांटम संख्याओं में मैंने आपको पहले बताया कोश को पता करने के लिए जिस क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है, कुल चार चीजें पता करनी है तो चार तरह के क्वांटम नंबर होंगे, और इनमें चार क्वांटम नंबर्स में चार प्रकार की क्वांटम
संख्याएं होती हैं? पहला, सबसे पहली बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। यह आपको कोश के बारे में बताएगा। किसके बारे में? कोश के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस कोश से संबंधित है। और यह पूरी तरह से कोश के बारे में बता रहा है, तो यहां पे सारी चीजें, यह क्वांटम संख्या कोश से संबंधित सारी सूचनाएं देता है। इसका मान अगर पहला कोश है तो एक होगा, दूसरा कोश है दो होगा, तीसरा है तीन होगा, चौथा है चार होगा, पांचवा है पांच होगा, छठा है छह होगा। इस तरह से बहुत सारे कोश हो सकते हैं। यह जो है, यह कोश से संबंधित समस्त सूचनाएं प्रदान करता है, प्रदान करता है। जैसे पहली सूचना क्या देगा? किसी कोश की त्रिज्या, किसी कोश की त्रिज्या के बारे में बताएगा कि किसी कोश की त्रिज्या कितनी होगी। ये हमने आपको, ये मतलब जितनी भी चीजें हमने बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ी हैं, उन सभी चीजों के बारे में ये सूचनाएं देगा। बोर ने जो जो चीजें कैलकुलेट की थी उन सब के बारे में ये सूचनाएं प्रदान करता है। कोश के बारे में, कोश के बारे में मतलब कोश का त्रिज्या कितनी, मतलब इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है। दूसरी बात, अगर नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की कोश में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कोश में कोणीय संवेग, इन सभी के बारे में ये सूचनाएं देता है। और ये आर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, और ये आर का मान कितना होता है, हम लोगों ने निकाला था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इसको और सॉल्व करके 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड हमने एंगस्ट्रॉम निकाला था। तो देखो, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रयोग है। दूसरा देखो, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी बताता है। तो E का मान हमें पता है, माइनस टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसके बहुत सारे मान हम लोगों ने निकाले थे। तीसरी जो सूचना देता है, कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के बारे में बताता है। क्या था? एम यू आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, है ना। और चौथा, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर। ये कोश के बारे में सारी सूचनाएं हमको प्रदान करता है। कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसके बारे में समझ आ गया, कोश के बारे में हमने समझा। उसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या का नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, ये नहीं है, दिगंशी है, दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। जो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो बोर्ड ने दिया था,
जब उसके उसे हम हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते थे तो उसकी एक रेखा जो बोर के परमाणु स्पेक्ट्रम में एक रेखा दिखाई दे रही थी वो वास्तव में कई रेखाओं का समूह होती थी। इसे कहते थे स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना। तो ये जो है ये हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करता है। मेरी बात समझिए, क्यों व्याख्या करता है? क्योंकि देखिए, हमें जो बोर के परमाणु मॉडल में दिख रहा था, एक सिंगल लाइन जो दिख रही थी, वो वास्तविकता में कोष को प्रदर्शित करता था, ये कोष को। लेकिन हमने पढ़ा कोष किससे बना होता है? उपकोषों से। और एक कोष में कई उपकोष हो सकते हैं, जैसे पहला ही कोष है तो पहले कोष की लाइन एक ही दिखाई देगी क्योंकि एक ही उपकोष होगा। लेकिन जब दूसरे कोष में जाएंगे तो दो लाइनें दिखाई देंगी, तीसरे कोष में जाएंगे तो एक लाइन में तीन लाइन होंगी, चौथे कोष में जाएंगे तो एक लाइन में चार लाइन होंगी। तो इस तरह से उपकोषों की वजह से जो है स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना दिखाई दे रही थी। इसीलिए ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या है ये प्रदर्शित करता है उपकोष को। किसको प्रदर्शित करता है? उपकोष को प्रदर्शित करता है। अब देखिए एल का जो मान है, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। इसका मान कहां से निकालेंगे हम लोग? एन के मान से ही निकालेंगे, है ना? किसी अगर एन का मान पता है तो किसी एन के लिए एल के मान जीरो से एन माइनस वन तक होते हैं। एन का मान पता है तो एल का मान क्या होगा? जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होगा, मतलब जीरो से ही शुरू होगा और एन माइनस वन तक जाएगा। जैसे अगर एन का मान एक है मतलब प्रथम कोश, प्रथम कोश तो एक है तो एल का मान कहां शुरू होगा? जीरो शुरू होगा। वन माइनस वन मतलब जीरो, मतलब जीरो से जीरो मतलब जीरो ही हुआ ना। तो प्रथम कोश के लिए एल का मान कितना आया? केवल एक आया। तो ये देखिए कि प्रथम कोश में केवल एक उपकोश, एक ही मान आया, एक उपकोश होता है जिसे एस उपकोश कहते हैं, एस उपकोश कहते हैं। तो एन का मान एक है तो एन के मान के लिए एक के लिए एल का मान जीरो, केवल एक ही मान आया। तो इसीलिए ये कोश को प्रदर्शित करता है, ये उपकोश को प्रदर्शित करता है। तो प्रथम कोश में एक मान है तो एक ही उपकोश होगा और वो पहले उपकोश को एस उपकोश कहते हैं। दूसरा देखें, एन का मान दो यानी द्वितीय कोश तो एल का मान शुरू होगा जीरो से, दो माइनस एक यानी एक तक दो ही मान होंगे। तो इसका मतलब कि दूसरे कोश में दो उपकोश होंगे, जीरो के लिए एस उपकोश और एक के लिए पी उपकोश, एस उपकोश, एल का मान जीरो और पी उपकोश एल का मान एक। ऐसे ही देखें एन का मान तीन ले लें तो तृतीय कोश तो एल का मान जीरो से शुरू होगा थ्री माइनस वन मतलब दो तक, जीरो से लेके दो तक तो बीच में एक भी तो आएगा। तो इसका मतलब तीसरे कोश में
तीन उपकोष होंगे, एस उपकोष, पी उपकोष और ये वाला डी उपकोष, लाइन से ही आएंगे। अब देखें एन का मान चार ले लें, एन का मान चार ले लें, चतुर्थ कोश, एल का मान जीरो से चार माइनस एक मतलब तीन तक, तो एक आएगा, दो आएगा, फिर तीन आएगा। तो ये देखिए ये एस उपकोष, ये वाला पी उपकोष, ये वाला डी अपने ऊपर पढ़ा है और ये वाला एफ उपकोष को प्रदर्शित करेगा, मतलब चौथे कोश में चार उपकोष होंगे एस पी डी और एफ। इससे ये भी कंफर्म हो गया कि एस उपकोष जब भी आएगा तो एल का मान जीरो होगा, पी उपकोष जब भी आएगा एल का मान एक होगा, डी उपकोष के लिए एल का मान दो और एफ उपकोष के लिए एल का मान तीन होगा। समझ आ गया होगा सबको मेरे ख्याल से। आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमूथल क्वांटम नंबर पढ़ा, अब मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। देखो होता क्या है कि जब किसी स्पेक्ट्रम के स्रोत को, जिससे स्पेक्ट्रम बन रहा है उस स्रोत को उठाकर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो जब बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से इंटरैक्ट होगा और वो जितने भी ऑर्बिटल जो एक साथ उपकोष में जुड़े थे वो सब अलग अलग हो जाएंगे। इसी वजह से देखें चौथे कोश में एक लाइन, बोर के मॉडल में एक लाइन दिखी, लेकिन जब उपकोषों में पहुंचे तो इसमें चार लाइन दिखी, चार लाइन ये उपकोष बन गए। और जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा गया तो एस उपकोष का लाइन तो वही रहेगा, पी उपकोष में तीन लाइन हो जाएंगी, डी उपकोष में पांच, एक दो तीन चार पांच, और एफ उपकोष में सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रमी रेखा कई रेखाओं में टूट गई। इसी को कहते थे जी मैन इफेक्ट, जी मैन प्रभाव, जिसकी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता था, है ना। तो ये जो है इसे M से प्रदर्शित किया जाता है और ये ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, और ये जी मैन प्रभाव की व्याख्या भी करता है, व्याख्या करता है। इसका मान M का मान L के मान पर निर्भर करता है, L के मान पर निर्भर करता है पहली बात, और किसी L के लिए, किसी L के लिए M के मान माइनस L से प्लस L तक, या उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस एल से माइनस एल तक होता है, मतलब नंबर सिस्टम वाला, संख्या पद्धति वाला। जैसे एस एल का मिनिमम मान क्या है, वन जीरो है, कौन सा उपकोष, एस उपकोष, तो एम का भी मान माइनस एल से प्लस एल तक यानी जीरो ही होगा, तो एस उपकोष में, एस उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं, एस ऑर्बिटल कहते हैं। एल का दूसरा मान क्या है, एल का दूसरा मान है एक, ये कौन सा उपकोष है, पी उपकोष। तो अब एम का मान देखिए, एम का मान माइनस से शुरू करें तो माइनस एक, जीरो, प्लस एक, कितने मान आए, तीन मान। इसीलिए
पी उपकोष में तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक आपका पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। सम आ गया माइनस वन जीरो प्लस वन। एल का मान अगर दो ले लें तो डी उपकोष, तो एम का मान देखिए माइनस दो से प्लस दो तक, माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो, कितने मान आए, एक दो तीन चार पांच मान आए। तो डी उपकोष में ये पांच ऑर्बिटल होंगे, है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांच ऑर्बिटल होंगे। और ऐसे ही एल का मान अगर तीन ले लेते हैं मतलब एफ उपकोष, तो एम का मान माइनस तीन माइनस दो माइनस एक, अब जीरो, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू, फिर प्लस थ्री। तो एफ उपकोष में कुल सात ऑर्बिटल होते हैं। आ गई बात समझ में, ये चीज है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और आखिरी में एक और क्वांटम संख्या है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या। तो चौथी क्वांटम संख्या का मान है स्पिन क्वांटम संख्या, इसे एस से निरूपित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल है उसमें, भाई आप जानते हैं कि ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब इसमें एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, और ये दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो एस का मान प्लस हाफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो एस का मान माइनस एक बटे दो होगा। जैसे डी में पांच ऑर्बिटल हैं, इसको इस तरह निरूपित कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, है ना, ये डी उपकोष है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो ऐसे भरे जाते हैं, पहले एक एक फिर डबल किए जाते हैं, डबल वाले को नीचे की तरफ एरो लगा देते हैं ताकि चक्रण स्पष्ट दिखता रहे। अब ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कहना मुश्किल है, मतलब कौन सा क्लॉकवाइज घूम रहा है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये आप नहीं बता सकते। लेकिन ये स्पष्ट बता सकते हैं कि अगर पहला क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब एक के लिए एस का मान प्लस हाफ होगा तो दूसरे के लिए एस का मान माइनस हाफ होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो ऊपर की तरफ एरो लगा है उसका प्लस हाफ ही होगा। जनरली हम निरूपित कर देते हैं लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट नहीं कह सकते कि ऊपर वाला का जिसका एरो ऊपर की तरफ है वो प्लस हाफ है, जिसका एरो नीचे की तरफ है वो माइनस हाफ है, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अगर पहला प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ है, और दूसरा प्लस हाफ है तो पहला माइनस हाफ है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक प्रश्न लेते हैं उसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चौथे कोश के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए,
तो देखिए भाई चौथा कोश है, एन का मान चार हो गया, ये पहली क्वांटम संख्या तो क्लियर होगी क्योंकि कोश है, एन का मान चार है तो इसमें चार उपकोश हो सकते हैं, चार उपकोश हो सकते हैं। एल का मान, तो एल का मान मैंने क्या समझाया था, जीरो से लेके चार माइनस एक मतलब जीरो, एक दो और तीन, है ना, ये उपकोश को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, उपकोश को प्रदर्शित कर रहा है, ये एस उपकोश, ये पी उपकोश, ये डी उपकोश, ये एफ उपकोश। अब उपकोश के बाद आता है ऑर्बिटल का संख्या नंबर, तो अब इसमें देखें, इसमें तो एम का मान जीरो ही होगा क्योंकि एल का मान पर निर्भर करता है, माइनस एल से प्लस एल तक एम का मान जीरो होगा, लेकिन इसके लिए एम का तीन मान होगा, माइनस वन, एक, जीरो, प्लस वन, मतलब तीन ऑर्बिटल। डी में पांच मान होंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये होगा माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, और एफ के सात मान होंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात मान, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ये हो गए एल के मान, ये ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा है। अब एस का मान देखिए, अब इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक के लिए प्लस हाफ और दूसरे के लिए माइनस हाफ, ऐसे ही सभी ऑर्बिटल्स जितने आपको नंबर यहां दिख रहे हैं, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, सभी के लिए एस का मान प्लस माइनस हाफ होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एम। एम के सभी मानों के लिए एस के दो मान होंगे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, सौमागी बात है ना। क्वांटम संख्याओं पे और भी प्रश्न हम करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले कई चीजें समझना और जरूरी है ना, कि उपकोशों को यानी ऑर्बिटलों को हम किस तरह से ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में रखेंगे, किसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो जब बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसे एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं, तो उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है, पहले वही ऑर्बिटल, उसी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन उनमें हम भरते जाते हैं, तो ये हमें इसके लिए ऊर्जा का निर्धारण, ऑर्बिटलों की ऊर्जा का निर्धारण, उपकोशों की ऊर्जा का निर्धारण करना जरूरी है, इसीलिए पहले हम ऊर्जा का निर्धारण करेंगे, और उसके लिए एक नियम दिया गया जिसे कहते हैं n प्लस l नियम। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को दिगंशी क्वांटम संख्या में जोड़ दीजिए तो n प्लस l बनेगा, और इसका जो मान आएगा उससे हम ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। तो ये हम अगली क्लास के लिए रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। आप क्वांटम नंबर आपने सीखा, इसको अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम हो अगर किसी टॉपिक में, किसी भी क्वांटम संख्या में कोई समस्या हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। धन्यवाद।